नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स, यूट्यूब ग्रे मैटर्स 2.0 में। अगर आपने हमारे चैनल ग्रे मैटर्स 2.0 को अभी तक ग्रे मैटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा दूसरा चैनल जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं ग्रे मैटर्स 2.0, इसको भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीग्राम स्क्रैपिंग बताने वाला हूँ कि आप टेलीग्राम की मेंबर्स की स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हैं। इसका सिंपल भाषा में मतलब बस इतना सा है कि आप किसी और के टेलीग्राम ग्रुप से उसके मेंबर्स को अपने ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे टेलीग्राम के ऊपर हैं जो इस ट्रिक को पेड सेल कर रहे हैं, लेकिन हम जो आपको मेथड बताने वाले हैं वो बिल्कुल फ्री है। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और ये मेथड बिल्कुल फ्री होगा, और इस मेथड को आप सिर्फ अपने विंडोज या फिर मैक से ही कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो उन्हीं के लिए डिजाइंड है। आप इसे वीपीएस पे नहीं कर सकते, आपको इसके लिए पीसी की जरूरत होगी। आप इसे मोबाइल में भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पीसी की ही जरूरत पड़ेगी। आपको एक डेस्कटॉप चाहिए होगा जिसके ऊपर आपको ये करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा जिसका नाम है टेलीग्राम स्क्रैपर, जिसे डिजाइन किया है किसने, डेनिस शनाबी ने, शबानी ने, और इनकी ये रिपोजिटरी है। इसको क्या करना है, इस रिपोजिटरी को एक तो स्टार देना है, क्योंकि इन्होंने इस रिपोजिटरी को डिजाइन किया है, वो भी फ्री में पब्लिकली इसको अवेलेबल करवाया है। और कोड पे क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड जिप फाइल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जब आपकी ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप इस फाइल को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना, और उसके बाद अपने डिवाइस में इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेना कि आपको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है। मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारी जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है मेरी फाइल। मैं इस विंडो को यहाँ पे क्लोज करूंगा और इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। मैं अपने उस पर जाऊंगा डेस्कटॉप पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है टेलीग्राम का। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहीं पे जहां पे आपका एड्रेस है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना होगा। रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडोज पे है, मेरी तरह मैं यहाँ पे विंडोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे डालना होगा पिप इंस्टॉल डैश थ्री डैश सॉरी डैश आर और रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, और आपको इस फाइल को यहाँ पे कमांड को रन करना होगा। मैंने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है मेरे यहाँ पे मैंने अपने डिवाइस के अंदर अपने पीसी के अंदर ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल करी हुई है। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं करी है तो आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे बस आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप पाइथन। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऑफिशियली आपको यहाँ पे पाइथन मिल जाएगी, और आप इसे यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे जाना, अपने पीसी के हिसाब से जो आपका वर्जन होगा वहाँ पे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी जो लेटेस्ट पाइथन वर्जन चल रहा है वो 3.11.1 है, जो कि मैंने अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करा हुआ है। बस इसके ऊपर क्लिक करना, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और इंस्टॉलेशन तो सबको करनी आती होगी, जैसे आप गेम्स को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर, ठीक उसी तरह आपको पाइथन भी इंस्टॉल करनी है। मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे वापस खोल लेता हूँ। मेरी पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैंने जो इस रिपोजिटरी की रिक्वायरमेंट्स थी वो अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर ली है। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप रिक्वायरमेंट्स फाइल के अंदर एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि पाइथन 3 की जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कमांड और देनी होगी पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट REQUESTS। ठीक है, आपको ये भी इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप इस कमांड को यहाँ पे रन नहीं करते हैं तो आपके में एरर आएगा। ठीक है, उस एरर को रिमूव करने के लिए आपको ये वाली कमांड यहाँ पे देनी होगी पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। देखो मैं यहाँ पे विंडोज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पिप डाल रहा हूँ। अगर आप मैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शायद पिप 3 डालने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप डालकर देख लेना, या तो आपको पिप से ट्राई करना है या फिर पिप 3 से ट्राई करना है, आपको वर्क कर जाएगा। विंडोज में पिप ही वर्क करता है, तो हम यहाँ पे पिप का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैं इसको थोड़ा विंडो को यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। अब आपको क्या क्या टाइप करना है, यहाँ पे डालना है पाइथन स्पेस, और हमें यहाँ पे डालना होगा, सबसे पहले हम करेंगे मैनेजर, तो आपको यहाँ पे डालना है MANAGER मैनेजर डॉट पाई, टाइप करा और एंटर प्रेस कर देना। हमारी जो यहाँ पे स्क्रिप्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम अकाउंट को ऐड करना होगा।
इसके लिए आपको यहाँ पे वन प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम अकाउंट की एपीआई आईडी डालनी होगी। तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट की एपीआई आईडी ऑलरेडी निकाली हुई है, तो उसके लिए मैं एपीआई आईडी कॉपी करी और मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम की एपीआई हैश डालनी होगी। देखो, जो बिल्कुल नया यूजर है जिसको नहीं पता कि एपीआई आईडी और एपीआई हैश कैसे लेते हैं, उनके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको अपने टेलीग्राम की एपीआई आईडी और एपीआई हैश कैसे मिलेगी। हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल ग्रे मैटर्स बॉट के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि आप किस तरह से अपने अकाउंट के टेलीग्राम एपीआई आईडी और एपीआई हैश ले सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना टेलीग्राम अकाउंट का फोन नंबर ऐड करना है। तो मैं अपना यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने अपना फोन नंबर यहाँ पे टाइप कर लिया, और फोन नंबर में ध्यान रखना कि आपको इंडियन नंबर ही यूज करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप फास्ट स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो आप इंडियन नंबर का यूज करें, यानी +91 कोड होना चाहिए उसमें स्टार्टिंग में, और नंबर के बीच में कहीं भी यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको नंबर सीक्वेंस में लिखना है और नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आप और अकाउंट्स ऐड करना चाहते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी अपने ग्रुप के अंदर मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10 अकाउंट्स ऐड कर लें, या जितने भी अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल हैं इंडियन अकाउंट्स, आप उनका यूज करें। और तो मैं यहाँ पे कोई और अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ एक अकाउंट का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर दूंगा, अदरवाइज आपको और अकाउंट ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे वाई टाइप करना। मैं एन टाइप करके एंटर कर दूंगा, मेरा जो अकाउंट होगा यहाँ पे सेव हो जाएगा vars.txt फाइल के अंदर। देखो यहाँ पे हमारी एक फाइल बन चुकी है वार्स के नाम से। अब आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर फिर से टाइप करना है, तो मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे फिर से टाइप कर देता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आएगा मेरे पास एक कोड आएगा टेलीग्राम के ऊपर आपका अकाउंट लॉगिन करने के लिए। देखो कोड मेरे पे आ चुका है, ये कोड बस मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आई कोड आपको यहाँ पे टाइप कर देना और एंटर प्रेस कर देना, तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको यहाँ पे 5 प्रेस करना है क्विट करने के लिए स्क्रीन से, अदरवाइज आप चाहे तो बैंड अकाउंट्स को फिल्टर कर सकते हैं, और जो आपके पुराने अकाउंट्स वगैरह उन्हें आप देख सकते हैं, लिस्ट करके आप देख सकते हैं कि आपने कितने अकाउंट्स को ऐड किया हुआ है पहले से। तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 को भी टाइप करके देख ले, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको एडिंग सिखा रहा हूँ, तो मैंने 5 करके विंडो को कर दिया क्लोज। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन स्पेस, हमारी जो अगली है स्क्रैपिंग। अब हम किसी ग्रुप से मेंबर्स को स्क्रैप करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है scraper.py। स्पेलिंग नहीं आती तो आप यहाँ पे स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना। हमारी जो कमांड यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगी, आप देख लो। अब इसके बाद आपको अकाउंट चूज करना है कि आपको कौन से अकाउंट से स्क्रैपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 0 टाइप करूंगा, मैं अपने 1 अकाउंट, एक मेरा अकाउंट डाला हुआ है बस, तो मैं उसी का यहाँ पे यूज करूंगा। एंटर प्रेस कर दिया। अब आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम डालना है जिस ग्रुप से आपको मेंबर्स को स्क्रैप करना है, मतलब जिस ग्रुप के अंदर से आपको मेंबर्स को निकालना है। तो यहाँ पे मेरा एक ग्रुप है ग्रे मैटर अंडरस्कोर सपोर्ट, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप को मैं यहाँ पे लेने वाला हूं, ठीक है। तो इस ग्रुप का क्या करना है, आपको यूजर नेम डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, gregmatr_support, और आप याद रखना कि आपको ग्रुप का नेम विदाउट एट द डेट डालना है। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। आप इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप सारे मेंबर्स को स्क्रैप करना चाहते हैं या सिर्फ एक्टिव यूजर्स को जो कि आज और कल में ऑनलाइन थे, या फिर उन यूजर्स को जो पिछले एक हफ्ते में ऑनलाइन थे या एक महीने के अंदर, या फिर आप सिर्फ नॉन एक्टिव यूजर्स को स्क्रैप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सारे मेंबर्स को स्क्रैप करना चाहता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ का ये हमसे पूछ रहा है कि आप एडमिन्स को एक अलग फाइल के अंदर रखना चाहते हैं ताकि आप एडमिन्स को अलग से ऐड कर पाए, या फिर एडमिन्स को आप ऐड ना करें अपने ग्रुप के। तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस कर दूंगा कि भाई एडमिन्स को एक अलग फाइल के अंदर सेव करो, कि मैं एडमिन्स को अलग से ऐड करना चाहूंगा, अगर ऐड करना चाहूंगा तो। तो देखो हमारे यहाँ पे सेविंग स्टार्ट हो चुकी है और 169 मेंबर्स है मेरे इस ग्रुप में, और वो सारे यहाँ पे स्क्रैप हो चुके हैं, हमारी ये वाली कमांड भी सेव हो गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कमांड डालनी है पाइथन स्पेस, हमारी ये वाली कमांड को रन करने से आपको क्या करना है, एक पहले मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने कोई ग्रुप यहाँ पे बनाया नहीं हुआ है। मैं एक अभी ग्रुप बनाऊंगा, एक न्यू ग्रुप क्रिएट करूंगा, ग्रुप को नाम दे देता हूँ ग्रे मैटर टेस्ट ग्रुप,
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर मैं रोज बॉट को ऐड कर देता हूँ। आप चाहे तो कोई भी यहाँ पे कुछ भी मेंबर ऐड कर लेना, क्योंकि ग्रुप के अंदर, ग्रुप जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कोई आपको मेंबर ऐड करना जरूरी होता है। इसके बाद अपने इस ग्रुप को आप यहाँ पे पब्लिक कर लें। मैं मैनेज ग्रुप पे जाऊंगा और ग्रुप टाइप के अंदर जाके इसे पब्लिक कर लूंगा और कोई भी लिंक मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, XYZ डाल दिया, मेरा लिंक अवेलेबल है, सेव कर दूंगा। सेव कर दिया तो मेरा जो ग्रुप है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। अब क्या करना है, आपको पाइथन वाली कमांड यहाँ पे डालनी है और ये वाली फाइल को हम यहाँ पे रन करेंगे, tsadder, तो tsadder.py, ये फाइल को हम यहाँ पे रन करेंगे। अभी हमारे अकाउंट का क्रिएट सेशन क्रिएट करेगा। देखो सेशन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको कैंसिल कर देना गॉट एट करके। अब आपको उस ग्रुप का नाम, यूजर नेम डालना है विदाउट एट द रेट, पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, याद रखना, जहां से आप मेंबर्स को, जिसके अंदर आप मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रुप था, अब मैं इसके अंदर जो ये लिंक है इसको हटा दूंगा, बस इसका यूजर नेम आपको रखना है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, कट कर लिया और मैं अपने ग्रुप का यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा कि भाई इस ग्रुप के अंदर मेरे को अपने मेंबर्स को ऐड करना है। तो देखो मेरे जो अकाउंट है उसने ज्वाइन कर लिया इसको। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप कितने अकाउंट्स को यूज करना चाहते हैं, तो इस स्क्रिप्ट के अंदर आप टोटल मैक्सिमम 10 अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं एक टाइम पे। मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स को यूज करें और इंडियन नंबर्स को ही यूज करें। मैं यहाँ पे वन टाइप कर दूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट है। वन टाइप कर दिया कि भाई मैं एक ही अकाउंट को यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली एंटर प्रेस करना होगा। आप यहाँ पे वार्निंग को रीड कर रहे हैं, रेड कलर में यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको स्क्रीन को, कीबोर्ड को प्रेस नहीं करना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है जब तक आपकी स्क्रैपिंग चल रही है। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो हमारी यहाँ पे लॉन्चिंग हो चुकी है, माउस को आप रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कीबोर्ड को यहाँ पे बीच में नहीं छेड़ना। देखो हमारे यहाँ पे अपने आप स्टार्टिंग हो चुकी है। अब ये क्या करेगी, हमारा विंडोज अपने आप मेंबर्स को स्क्रैप करेगा। देखो यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो क्या है, यहाँ पे प्राइवेसी उन्होंने लगाई हुई है कि उन्हें कोई भी बिना उनकी परमिशन के ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो रेड मार्क्स आएंगे। बाकी जो ऐड हो रहे हैं वो ये है, देखो देखो, एक जब मैं यहाँ पे ग्रुप में जाऊंगा, मेरा ग्रुप कौन सा था, ये वाला ग्रुप मैंने क्रिएट किया था, ये ग्रुप था, यस। और देखो इसके अंदर एक मेंबर यहाँ पे डेविल ऐड हो चुका है इस ग्रुप के अंदर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐड हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे मैं एक अकाउंट को यूज कर रहा हूँ तो ये थोड़ा स्लो होगा, आप ज्यादा तो ज्यादा अकाउंट यूज करेंगे तो ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे दो मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो मेंबर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इस तरह से हमारी ये स्क्रिप्ट वर्क करती है और ये स्क्रिप्ट को आपको रन होने देना है जब तक आप जितने मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं उतने आपके ऐड ना हो जाए। तो अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को बीच में रोकना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना होगा बीच में स्क्रिप्ट को रोकने के लिए। तो मैं इसे बीच में रोक देता हूँ क्योंकि मेरे को बस आपको यहाँ पे सैंपल दिखाना था। तो मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब मैं इस सेशन को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और ये भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप चाहे तो अपनी फाइल को यहाँ पे डिलीट कर दें क्योंकि मेरे को बस आपको दिखाना था कि आप कैसे मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो मेंबर्स को ऐड कर लिया जिनको मैंने ऐड किया था। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरे को हेल्प नहीं करेंगे मेरे चैनल को ग्रो करने में तो मैं भी आपकी जरूरत हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें और हमारी वीडियोस को जितना फैला सकते हैं उतना ज्यादा फैलाएं। थैंक यू सो मच गाइज। और हमारी इस रिपोजिटरी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।